नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं वन ईयर मेरिडियोलॉजी कोर्स के बारे में, बात कर रहे हैं हम लेंस मेरिडियन के बारे में। तो आज मैं चर्चा करूंगी LU9 के बारे में। तो गाइज, LU9 मेरे अकॉर्डिंग भी और जितने भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने सुजोग में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किया है, वो सभी मानते हैं कि LU9 एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है और इसको मुर्दे को जिलाने वाला पॉइंट कहा जाता है। एग्जैक्टली, आपने सही सुना, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल बहुत ही बुरी कंडीशन में, लाइक आपको लगता है कि भाई अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो ऐसे इंसान पे आप LU9 ज़रूर अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप दे सकते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं आप सबको समझाऊंगी कि क्यों LU9 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये मुर्दे को जिलाने वाला पॉइंट है। बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग अस्थमा, कफ या गले का दर्द, इन सब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी के रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, किसी के शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं अच्छे से अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो। साथ ही साथ ये लंग्स की ऊर्जा को बैलेंस भी करता है, प्लस टोनिफाई भी करता है, तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। अगर हमारे लंग्स में या हमारे लीवर में हीट एक्सेस है तो ये उसको भी बैलेंस करता है, उसको कम करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस हो रही है कोई चीज़, तो उसको ये बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। बहुत ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है उसको प्रमोट करता है। और हम लोग अगर बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं, आप कभी ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अगर आप कभी भी डाउन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ओहो भाई बिल्कुल ही हाथ पैर गिरे गिरे हो रहे हैं और मन ही नहीं कर रहा कोई काम करने का, या हाथ पैरों में ताकत ही नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ज़रूर प्रेस करें। बिल्कुल हमारी जो रिस्ट जॉइंट है, हमारी जो रिस्ट क्रीज होता है उसके बिल्कुल यहाँ पे होता है, इस जगह पे, ठीक है। और जब हम लोग आयुर्वेदा में पढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारी वात की नाड़ी आती है, वात की नाड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं सबसे पहले अपनी वो लाइन जो मैंने बोली है उसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्यों मैंने बोला कि मुर्दे को जिलाने वाला पॉइंट है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा में वात की नाड़ी आती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो जब हम लोग इस नाड़ी, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा अगर आप आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं, कि जब इंसान का मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है हालत, बहुत ही पल्स गिरने लग जाती है, बिल्कुल ही एक ऐसा समय आता है, तो उससे पहले इंसान के शरीर में कुछ सिम्टम्स आने दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि ये नाड़ी जो होती है वो शिथिल पड़ना शुरू कर देती है, जो पर्टिकुलर हमारी वात की नाड़ी होती है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। तो ऐसे में अगर हम LU9 को प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे एक्टिवेट करते हैं, और उसके एक्टिव होने के बाद जो एक पर्सन है जो बहुत ही डाउन फील कर रहा है या बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर बिल्कुल गिरते चले जा रहे हैं, पल्स गिरती जा रही है, तो आप उसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं, आप किसी मरते हुए इंसान को बचा सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, इसको ज़रूर 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 अप्लाई करें और इसको ज़रूर ट्राई करें अपने पेशेंट से, क्लाइंट के ऊपर नहीं, आप अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक एनर्जी जो है वो सभी के बॉडी के अंदर एक प्रॉपर होनी चाहिए, एक कहना चाहिए कि एक ऊर्जा एनर्जी हम सभी के अंदर होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, तो वो चीज़ हम लोग इससे काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पॉइंट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।